लेकिन जब बात तलाक की होती है तो उसमें कोई एक पक्ष का कोई हाथ नहीं होता, ताली दो हाथों से बजती है। लेकिन कई बार क्या होता है, अलग अलग काफ़ी अलग अलग कारण है, वो मानसिकता, फाइनेंशियल स्टेटस, पर्सनल इकोज और कई बातें, स्वभाव। कभी क्या होता है कि मैरिज होता है तभी दोनों पक्ष साथ में रहते होते हैं, धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि नहीं, उसका स्वभाव तो ये है, मुझे एडजस्ट नहीं होना है, ऐसे में सहन नहीं कर पाऊंगी। कभी शादी का एक साल भी नहीं होता है तो तलाक की नौबत आ जाती है। कभी कभार क्या होता है कि जो अभी बीच वाले जो अभी इन्होंने बताया कि ये यंग जनरेशन की बात नहीं है, लेकिन जब पुराने रिश्ते थे तो शादी को एक लग्न को एक संस्कार माना जाता था और वहाँ पे तलाक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती थी कि जैसा रिश्ता है वैसे ही निभाना है, एक ये मानसिकता चल रही है। और दूसरी नई जनरेशन में क्या है कि भाई हमको फायदा नहीं है, चलो हम ब्रेकअप कर लेते हैं, अभी शादी को एक साल नहीं हुआ है, लव मैरिज भी होती है ताकि उसमें भी काफ़ी तलाक की शक्यताएँ बढ़ गई है। क्योंकि पहले तो लव हुआ था, चार साल लव मैरिज रहता है, चार साल उनको दोनों का मिलना मिलाप रहता है, फिर शादी होने के बाद एक साल के अंदर तलाक भी हो जाते हैं। क्या वजह? तो नहीं, उसके साथ मुझे एडजस्ट नहीं होना है या हम नहीं कर पाते। कभी तो रीज़न ऐसे भी आते हैं कि सास का नेचर हमको अच्छा नहीं लगता, काफ़ी किटकिट कर रहे हैं रोज बरोज, तो ऐसे कई रीज़न होते हैं। फाइनेंस का भी एक रीज़न होता है कि शादी से पहले जो बात आती है सामने कि नहीं इन्होंने तो ये बताया था मेरा बंगला है, मेरी गाड़ी है, फाइनेंशियल पोजिशन अच्छी है, लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई ये तो कुछ नहीं है, तो ये काफ़ी बड़ा रीज़न है। अगर ये बात अभी तो जो चल रहा है सोशल मीडिया की बात है, फेसबुक पे ज़्यादातर लोग मित्र बना लेते हैं, फ्रेंडशिप हो जाती है और मैसेंजर पे अपने मैसेज की लेन देन हो जाती है, जो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट का मैसेज वो फिर अपने हिसाब से लव में परिवर्तित हो जाता है, फिर पता नहीं चलता नहीं सब, लेकिन बोलते हैं नहीं मेरे फेसबुक पे 5000 फ्रेंड है, और लेकिन बोलते और जब फ्रेंडशिप बनाते हैं तो देखते नहीं है कि उसका प्रोफाइल क्या है। और सोशल मीडिया के आधारित प्रोफाइल पे जो हम ट्रस्ट कर रहे हैं वो सबसे बड़ी गलत बात है। यंग जनरेशन जिस तरह यहाँ पे सोशल मीडिया पे चल रहा है, पोस्टर में देखते हैं प्रोफाइल में कि भाई लड़का तो उसके पीछे बंगला है और उसके पीछे वो गाड़ी में बैठा है कार में, लेकिन वो उसी को फैक्ट बनकर आगे चलते हैं कि फ्रेंडशिप बना लेते हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि ये जो कार है वो उसकी भी नहीं है और पीछे जो बंगला दिखाई देता है वो भी उसका नहीं है। ताकि इतने सारे केसेस अभी जो बढ़ गए हैं सोशल मीडिया की वजह से बढ़े हैं, और उसमें मैरिज अवॉइडेबल करने की आवश्यकता आ जाती है और फैमिली कोर्ट में ऐसे केस दर्ज होते हैं। तो ये ऐसी बातें चल रही है, और फाइनेंस की भी बात आती है। पहले के जमाने में जो दहेज की लेन देन होती थी